नमस्कार, आप देख रहे हैं कांको न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे पार्टियों के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। कई पार्टियों के दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता विवेक तिवारी पहुँचे हैं सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में और उन्होंने ली है वहाँ पर जनता की राय। आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विवेक तिवारी की ये रिपोर्ट। बीजेपी अपना काम किया है चार साल पिछले। पाँच साल में आपको क्या ऐसा लग रहा है जिससे बीजेपी जीत सकती है, कोई एक काम बताइए। विकास बहुत किया है बीजेपी ने। विकास में एक काम बताइए, एक विकास बताइए। विकास जैसे कि कुंभ मेले में काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब व्यवस्था की थी। और पाँच साल में कुंभ होता है हमेशा सरकार बोलती है, हमेशा करती है। इनका विकास सिर्फ झूठ बोलने, विकास है झूठ बोलो, विकास रेलगाड़ी का कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी है वहाँ पे आप इस समय जाएंगे तो थोड़ा अलग माहौल दिखता है, लेकिन रायबरेली में कुछ खास विकास नहीं दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत पुराना शहर है बनारस और उसमें राज सरकार हमारे 30 साल से राज सरकार नहीं यूपी में। हमारे साथ भेदभाव होता है यहाँ पर, कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होगा। नेशनल हाईवे देखिए सब ठीक ठाक तो हैं, जो केंद्र का प्रोजेक्ट हो ठीक है। बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है, कितनी औरतें और बेटियां मरी हैं इन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ है, ये किसी की और की हुकूमत में नहीं हुआ। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि विकास हुआ है, विकास कुछ नहीं हुआ, भाषण बिलाया गया है, कहीं नाले से गैस निकाली गई है। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री इनका कहता है कि ऑक्सीजन पैदा करने के लिए बत्तख पैदा करो, बत्तख को पालो, कहीं पकौड़े तलवाए जा रहे हैं। तो ये हुआ है पाँच साल से भाषण पिलाने से, अगर पेट भर रहा है सिर्फ जुमलेबाजी हो गई है। अभी कल जो है जेट एयरवेज की जो है 20,000 आदमी जो और बेरोजगार हो गया, कल 20,000 लोग जेट एयरवेज के बेरोजगार हो गए, उनको SBI बैंक ने लोन ही नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया, जेट एयरवेज खड़ी हो गई। 30,000 करोड़ दिया जाता है जेट एयरवेज को, जो है 2,000 करोड़ ही दिया जा रहा है और 30,000 करोड़ जो अंबानी को जो ऐसे माफ कर जाता है। और इन्होंने जो कुछ कहा है कुछ किया ही नहीं है। अब बताइए कि क्या नौजवान पकौड़ा बनेगा, पकौड़ा बनाएगा? अब बताइए ना, देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि उनका सपना था कि हमारा नौजवान शिक्षित हो। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी तो उनका सपना था कि हमारा नौजवान जो है डॉक्टर और सेना में भर्ती हो। राजू जी प्रधानमंत्री बने तो उनका सपना था कि हमारा नौजवान इंजीनियर बने, और आज जो है ये नौजवानों को चौकीदार और पकौड़ा तलने की बात करते हैं। और सुनिए, देश जो है चीन जो है रिपोर्ट बना रहा है, और जो है जापान समंदर में मेट्रो ट्रेन चला रहा है, और अमेरिका जो है वो मंगलयान पे बस्ती बसाने की बात कर रही है, और ये जो है ये चौकीदार नौजवान को बनाना चाहते हैं, पकौड़ा तलवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इस सरकार ने कोई विकास किया? प्रियंका गांधी की जो जहां पे बात आई प्रियंका गांधी से बीजेपी वाले इतना घबरा गए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, मीडिया इधर डिवर्ट हो जाए, उनकी तरफ जाए नहीं। तो ये सारा खेल जो है ये बहुत गंदा खेल खेल रही बीजेपी वालों ने, बहुत गंदा खेल खेल रही। और पांच साल में इन्होंने खाली विनाश किया है, विकास नहीं विनाश किया है। देखो पांच साल में देश, आपको क्या लग रहा है किसानों के लिए इस सरकार में कुछ हुआ है? और हमसे कुछ देर पहले सवाल किया गया था, मीडिया पूछ रही थी बनारस बहुत चमका दिया, अरे जिसने चौकीदार ने गोद लिया गांव को उसका तो ये विकास बनारस में कर नहीं पाया। बनारस वो तो कचड़े में चला गया जिसको गोद लिया था, गोद लेने का मतलब आप समझते हैं। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जी ने न्याय योजना लागू करने की बात कही है, इससे कितना लाभ हो सकता है? अरे इससे लाभ होगा, इन्होंने कहा था किसान को हम 6,000 सालाना देंगे, राहुल जी ने कहा 6,000 रुपए पर महीने देंगे। ये जो कहा है ये करेंगे। हर अब कोई माँ
अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाएगी, अब कोई भाई बिना स्कूल नहीं रह जाएगा। इन्होंने जो है शिक्षा का अधिकार दिया, इन्होंने जो है रोजगार का अधिकार दिया, इन्होंने जो है किसान को जो है इन्होंने कहा कि ये आपराधिक मामला नहीं होगा, अगर किसान कर्जा नहीं दे पाता तो आपराधिक मामला नहीं दर्ज होगा। तो जो ये कहे हैं ये करेंगे जो है राहुल जी। तो ये थी रायबरेली की जनता की राय लोकसभा चुनाव के लिए। गांव-गांव से विवेक तिवारी के साथ स्वीकृत वाजपेयी की रिपोर्ट।